पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसारण को भाजपा के कार्यालय पर लाइव सुना गया और उन पर विचार विमर्श करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने पर सहमति बनाई गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता के साथ क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसारण को सुना। केंद्र के साथ साथ देश के कई राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी आज 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास संबोधन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए हुआ। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की पांचवी तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहे। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सतर्क करती। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा आज मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, जिसके 12 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। यही कारण है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर से लेकर कच्छ तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है और पूरे एक भारत, विशाल भारत, विकसित भारत, जो एक सपना है नए भारत का निर्माण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आज उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। और आने वाले टाइम में भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो हमारे नेतृत्व है वो लगा हुआ है। एक ईमानदार, विकास परक, एक ऐसी सरकार इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की है कि जिसको आज दुनिया के, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप के कंट्री हो, अफ्रीका के कंट्री हो, सब लोगों ने देखा कि एक स्थिर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत में स्थापित की है। आज 42वें आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक नमो ऐप के माध्यम से भी सभी सदस्यों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा उसके अंदर एक डोनेशन भी दिया जा रहा है,
नमो ऐप के माध्यम से। मेरा सभी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शुभचिंतकों से निवेदन है कि वो भी इस देश के, राष्ट्र के निर्माण में जो पार्टी हमारी आगे बढ़ रही है उसको सहयोग करने के लिए आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक भी वो लोग इसके अंदर अपना योगदान नमो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।